हेलो फ्रेंड्स, मैं सरसात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों की फेवरेट कपकेक की रेसिपी। कपकेक्स तो आपने बहुत बनाए होंगे और कई बार बाहर से खाए भी होंगे, बट आज की ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसमें आपको टेक्सचर मिलेगा एक एप्पल पाई का, और इस कपकेक्स और इन कपकेक्स को आप कह सकते हैं एप्पल क्रम्बल कपकेक। तो फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे कि आपके ये जो कपकेक्स हैं, कपकेक का फील तो देंगे और साथ ही आपको एप्पल पाई का क्रम्बल टेक्सचर कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम अपने एप्पल क्रम्बल कपकेक बनाने के लिए हम सबसे पहले वेट इंग्रेडिएंट्स लेंगे, तो उसमें मैं यूज कर रही हूँ दही। तो इस कपकेक को बनाने के लिए मैं आधा कप दही का यूज कर रही हूँ। तो जो नॉर्मल हम घर में दही जमाते हैं बस वही दही लेना है आपको। तो ये मैंने हाफ कप दही लिया है। आप कोई भी इस टाइप के कप्स ले सकते हैं, टी कप्स। मैं हमेशा अपनी रेसिपीज में बताती हूँ कि कोई मेजरिंग कप की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके पास घर पे अवेलेबल हों, बहुत ही सरल और इजी वे में हम कैसे बेकिंग कर सकते हैं वो आपको मेरी रेसिपीज में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ मैंने आधा कप दही लिया है, साथ ही इसमें मैं डालूँगी हाफ कप जितनी शुगर। तो यहाँ पे आप कोई भी शुगर यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शुगर। तो ये भी मैंने आधा कप लिया है। तो जितना दही उतनी ही शुगर। ब्राउन शुगर से एक तो जो टेस्ट है कपकेक्स का बिल्कुल एप्पल पाई वाला आएगा, और दूसरा जो इसका कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप जितना ऑयल। तो मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑयल अगर यूज कर रहे हैं तो वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल की जगह आप ऑलिव ऑयल का यूज करें। आप ऑयल की जगह अगर बटर ले रहे हैं तो मेक श्योर कि जो बटर है वो मेल्टेड बटर हो, तो वो मेजर करने में बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से विस्क करेंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह की एक छलनी रखेंगे और इसमें हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले 1 कप मैदा, वही कप है जिससे मैंने मेजर किया है। इसमें मैं डालूंगी दालचीनी। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दालचीनी का, यानी कि सिनेमन। तो 1/4 टीस्पून जितना मैंने दालचीनी डाली है। अगर आपके पास साबुत दालचीनी है तो आप उसको हल्का सा ग्रेट या फिर उसको थोड़ा क्रश करके डालिएगा। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून जितना बेकिंग सोडा। तो हमेशा जितना बेकिंग सोडा आप डालते हैं उसका डबल आपको बेकिंग पाउडर डालना है, और 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके जो केक्स हैं उनको फ्लफी और बहुत ही अच्छा बाउंस देने के लिए। अपने कपकेक की जो स्वीटनेस है उसको इन्हांस करने के लिए बस अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से सीव कर लेंगे, यानी कि छान लेंगे। ये रेसिपी काफी अलग है क्योंकि ये नॉर्मल एप्पल कपकेक की रेसिपी नहीं है बल्कि एप्पल क्रम्बल कपकेक की रेसिपी है। तो यहाँ पे ये सिर्फ अभी एक पार्ट रेडी हुआ है कपकेक का, इसमें मैं अभी इसका क्रम कोट भी करूँगी। तो उसकी रेसिपी तो उसका मेथड अलग है। तो पहले तो हमने अपने कपकेक का जो बैटर है वो तैयार कर लिया है, सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप जितना मिल्क, क्योंकि आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी अभी फ्री फ्लोइंग और पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं है। तो मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने एक एप्पल लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप ऐड करें, जितना क्रंची और अच्छे टेक्सचर वाला एप्पल होगा उतना ही अच्छा लगेगा इन कपकेक्स में। ध्यान रखिएगा एप्पल्स को तभी की तभी चॉप करिएगा, अदरवाइज वो रेड हो जाएंगे। तो वो एप्पल अगर आपने थोड़ी भी देर काट के छोड़ दिया तो उनकी सरफेस पे एक रेड लेयर आ जाएगी। तो तभी फ्रेशली चॉप करके ही उसको इसमें ऐड करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी जो ये कंसिस्टेंसी है बैटर की कपकेक की बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। इसको हम साइड में रखेंगे और अब मैं तैयार करूँगी अपना क्रम्ब, जो हमें
क्रम जिसको मैं बोल रही हूँ कि हम कपकेक एप्पल क्रम्बल कपकेक बना रहे हैं, तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून जितनी मैदा ली है और इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून जितना ओट्स का पाउडर। तो नॉर्मल ओट्स को मैंने ग्राइंडर में पाउडर कर लिया है और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जितनी ब्राउन शुगर। तो आप नॉर्मल शुगर अगर आप ले रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस ब्राउन शुगर के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बहुत फाइन हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इस रीजन से मैंने इसको पाउडर नहीं किया है। बट अगर आप वाइट शुगर ले रहे हैं तो आप उसको एक बार जरूर पीस लीजिएगा जिससे कि वो पाउडर फॉर्म में हो सके। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना बटर। तो बटर को मैं, आप देख सकते हैं ये मेल्टेड बटर नहीं है, तो इसको मैं चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। और अब हमें अपनी हाथों की मदद से, आप चाहें तो इसको फोक से कर सकते हैं बट हाथों से करने में बहुत मज़ा आता है। तो इसको हमें बटर को अच्छे से इस चीनी और मैदे और ओट्स के पाउडर के साथ अच्छे से क्रम्बल करना है, बिल्कुल जैसे ब्रेड क्रम्स का टेक्सचर होता है वैसा हमें इसको बनाना है। बटर मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ 1 टेबलस्पून लिया है, जो सैंड वाला टेक्सचर होता है बिल्कुल बस हमें वैसा ही चाहिए। और बटर आप ध्यान रखें कि बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। तो जितना चिल्ड होगा उतना ही अच्छा टेक्सचर निकल के आएगा इसका। अगर किसी रीज़न से आपका थोड़ा ये ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा ओट्स का पाउडर और डाल सकते हैं। बिल्कुल मडी सैंडी टेक्सचर है इसका, देख सकते हैं आप, देखिए। तो अब हम अपनी कपकेक्स की, क्रम्बल कपकेक की को सेट करते हैं मोल्ड्स में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से उसको सेट करना है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह की कपकेक मोल्ड्स की ट्रे ली है और इसमें मैंने ये लाइनर्स लगाए हैं, बहुत ईजिली ये मार्केट में मिल जाते हैं। तो इन लाइनर्स से क्या होता है कि एक तो ये बिल्कुल आपकी ये जो ट्रे है ये गंदी नहीं होती है और दूसरा ये बच्चों को देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि हम मार्केट से लाए हैं। तो इसमें मैं बैटर ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैंने अपना जो OTG है वो प्री हीटिंग के लिए लगा दिया है 180 डिग्रीज पे। तो जब तक हम इसको, इसकी पोरिंग करेंगे, इसको सेट करने रखेंगे, तब तक हमारा जो OTG है वो प्री हीट हो जाएगा। प्री हीटिंग हमेशा आप 10 मिनट्स की तो मिनिमम करिए, 10 to 15 मिनट्स इज द ऐप टाइम। कप केक्स को हमें सिर्फ आधा ही भरना है क्योंकि अभी हम इसमें पोर करेंगे अपना जो हमने क्रम्बल बनाया है उसको भी हमें इसमें ऐड करना है। जनरली अगर आपने पहले कपकेक्स बनाए होंगे तो हम 3/4 तक कपकेक्स भरते हैं, बट आज मैं इनको सिर्फ हाफ ही फिल कर रही हूँ। और अब मैं इसके ऊपर ये जो हमने क्रम्बल बनाया था उसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये जब ऊपर से ऐसे अनइवन से होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं बेक होने के बाद, और एप्पल और सिनेमन का जो फ्लेवर है कॉम्बिनेशन वो भी बहुत अमेजिंग लगता है। तो इस तरह से मैंने अपने ये कपकेक्स को अच्छे से फिल कर लिया है मोल्ड्स को। अब मैं इनको बेक करूंगी 180 डिग्रीज पे 20 मिनट्स के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन योर ओवन आप 20 मिनट्स के बाद ज़रूर चेक करिएगा, हो सकता है कि आपको 25 मिनट्स लगे, हो सकता है आपको 18 मिनट्स लगे, तो जस्ट कीप अ वॉच अप्रॉक्सीमेटली एट 20 मिनट्स। मेरे पास कुछ ये सिलिकन मोल्ड्स हैं तो मैंने इनमें भी ये सेट करने के लिए रखा है, तो मैं इन सबको साथ में बेक करने के लिए लगाती हूँ। तो ये हमारे जो मफिन्स हैं, कपकेक्स हैं, वो रेडी हैं। एग्जैक्टली 20 मिनट्स में ये तैयार हो गए हैं और अब मैं इनको, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है घर में। तो लेकिन ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप एक बार इसको खुद ट्राई करेंगे अपने घर पे। इस तरह की वायरिंग रैक पे मैं इनको निकाल दूंगी जिससे कि ये नीचे से भी ठंडे हो सकें, एयर पास हो। तो इसमें टोटल 11 मफिन्स बनके तैयार हुए हैं। इनको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और कितने स्पॉन्जी बने हैं। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो ये देखिए जो
जो ऊपर से जो ये टेक्सचर आ रहा है अनइवन सा, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसमें कुछ नट्स भी डाल सकते थे, आप इसमें वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं, आप इसमें रेजन्स डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने इसको सिर्फ एप्पल और सिनेमन का फ्लेवर दिया है और हमारे ये एप्पल क्रम्बल कपकेक बनके बिल्कुल तैयार है। तो इनको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और उसके बाद आप इनको अच्छे से इंजॉय करें विद अ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी या फिर टी के साथ। तो मैं आपको इसमें नीचे दिखाती हूँ कप लाइनर्स, कपकेक लाइनर्स लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितना नीट है हमारा ये। यही रीज़न है कि हमने ये कप लाइनर्स लगाए थे, कपकेक लाइनर्स या पेपर लाइनर्स आप कह सकते हैं। इसको करीब आधा घंटा हो गया है और ये कुछ कुछ रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं और मैं आपको एक डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो मैं ये सिलिकॉन वाला ले रही हूँ, इसमें मैंने कपकेक लाइनर्स नहीं लगाए थे, बट फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्लीनली और कितना अमेजिंग बना है। और आप ये भी देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन निकला है। और ये देखिए, मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ कितना परफेक्ट ब्राउन कलर आया है। और ये देखिए, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, बिल्कुल रुई वाला। देखिए, जब हम घर पे इतने सिंपल इजी मेथड से ये चीजें बना सकते हैं तो क्यों बच्चों को बाजार की मिलावट भरी चीज़ें खिलाना जिसमें ना हमें ऑयल का पता है, ना चीनी का, ना फ्लावर का। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हेल्दी रहिए, ऐसे ही हेल्दी चीज़ें रेसिपीज़ बनाते रहिए और कीप वॉचिंग सरल सात्विक। और कमेंट करके हमें बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी टेस्टी, हेल्दी येट ईजी टू मेक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।